डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ना तो समय पर एडमिशन की प्रक्रिया कराई जा रही है, ना ही समय पर परीक्षा, जिसके लिए छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में नजर आ रहा है। लगातार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही, चाहे शिक्षा की स्तर की बात करें, चाहे उसकी व्यवस्थाओं को लेकर बात करें, चाहे उसकी डिग्री और मार्कशीट को लेकर बात करें, लगातार सारी व्यवस्थाएं फेल होती नज़र आ रही हैं। चाहे कितने सारे कुलपति यहाँ से चले गए और नए कुलपति आ गए, उन्होंने व्यवस्थाओं को सुधारने के जो भी प्रयास किए, पर व्यवस्था पहले जैसी से ज़्यादा और बेहतर ना करने के चक्कर में और बुरा हाल हो गया। अभी हाल में ही जो एडमिशन की जो प्रक्रिया चल रही है, अभी सिर्फ एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, लगातार जो कि एडमिशन की प्रक्रिया सितंबर और अक्टूबर तक अभी तक एडमिशन की प्रक्रिया चल रही, तबकि ये जो है जुलाई में ख़त्म होनी थी, पर अभी तक विश्वविद्यालय के पर जो है एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। अभी जो सेमेस्टर की जो पहले साल के जो परीक्षार्थियों के अभी जो है उनकी अभी सेमेस्टर परीक्षाएं कंप्लीट नहीं पूरी हो पाई, कब उनका सेशन शुरू होगा, कब उनके एडमिट कार्ड मिलेंगे, हमेशा परीक्षाओं से पहले यही एक सवाल होता है कि उनके एडमिट कार्ड कब मिलेंगे। परीक्षा शुरू हो जाती है उसके एक या दो दिन बाद के बाद तक उनको प्रवेश पत्र नहीं मिलते, वो उसके लिए भटकते रहते हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं व्यवस्था की जो विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं लगातार ख़त्म हो जा रही हैं। जो ऑनलाइन के लिए डिग्री और मार्कशीट के लिए लोग चक्कर यहाँ पर लगाते रहते हैं, वो भी छात्र अक्सर परेशान नज़र आते हैं। कैमरा मैन के साथ लक्ष्मी नाथ सिंह, सी न्यूज़ आगरा।